Delhi. 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 दिल्ली के बारे में मुझे क्या पसंद है? दिल्ली में मुझे सबसे अच्छा अपने दोस्त लगते हैं। माही को मकबरा, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है और कमल मंदिर भी तो है। मेरा नाम प्रशांत है, सुफियान। नाम राजू। मैं नेपाल से हूँ, शिमलकोट से, क्योंकि वहाँ शिमल के बहुत सारे पेड़ हैं ना, इसलिए। एक बकरी और चार खरगोश है, और बकरी का नाम पता है क्या है? रानी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ओखला मंडी में रहते हैं, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। मुझे सब तरह के फूल और पत्ते पसंद, सब तरह के और सब कलर के। मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले काम करता था पर अब छोड़ दिया। अभी तो मैं छोटा हूँ ना, अभी तो मुझे पढ़ना चाहिए। मेरी बाजी कहती थी कि एस्ट्रोनॉट बनूं, पर वो अब कहती है कि इंजीनियर बनो। हम दोनों बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सपना है हम डॉक्टर बने, जिससे हम गरीब लोगों का फ्री में इलाज कर सके। पर पढ़ने के लिए तो हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे। पैसा? हाँ तो चाहिए ना, पैसा तो सबको चाहिए, और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा। अगर मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं मम्मी को दे दूंगा, ताकि वो हमारी जरूरतमंद चीजें ला सके। मैं तो पैसे अपने खजाने में जमा करूंगा। खजाना मतलब मेरा बाल विकास खजाना। ये खजाना हम बच्चे चलाते हैं, और पता है क्या, वो भी सिर्फ एक रुपए से हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं। हमारा खजाना किसी और बैंक से कम नहीं है। हमारे पास भी कैश बुक है, पासबुक है और लेजर बुक भी है। हम इसमें किसी भी समय पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, और जरूरत के वक्त एडवांस भी निकाल सकते हैं। हमारे खजाने में तो 3 महीने में 10% ब्याज मिलता है, जिससे बचत भी ज्यादा होती है, और बैंक के अलावा हमारी अपनी एक बाल सभा भी होती है, जिसमें हम बच्चे मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसका हल निकालते हैं। प्रशांत भैया हमारी बाल सभा के चाइल्ड वॉलंटियर मैनेजर हैं, जो हमारी मीटिंग चलाते हैं। सब आता है हमको। मैं बड़े होकर असीम भैया जैसे फेमस बनना चाहता हूँ। असीम भैया भी हमारी तरह छोटे थे जब उन्होंने खजाने में पैसे जमा करना शुरू किए थे, और आज वो बड़े होटल में शेफ है। शेफ। हमारे खजाने में दिल्ली के 600 से भी ज्यादा बच्चे हैं। अभी तो हम छोटे हैं ना, तो हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, पर जैसे हम बड़े होंगे वैसे ही हमारा खजाना भी बड़ा होगा,
बहुत बड़ा। और सोचो अगर इसी तरह ये खजाना हर जगह हो तो हम बच्चे अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं।